सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं देवपाल और आज की वीडियो में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप फोन पे को यूज करना चाहते हैं, फोन पे थ्रू अपना बैंक ऐड करके आप कहीं पैसे वगैरह भेजना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस वगैरह चेक करना चाहते हैं, अपना फोन वगैरह रिचार्ज करना चाहते हैं, तो फाइनली गाइज इस वीडियो में आपको लाइव की स्टेप करके दिखा लूँ बता लूँगा कि आप फोन पे को बिना एटीएम कार्ड के 2024 में कैसे चलाएंगे। तो जी हाँ गाइज, अब आप बहुत ही अपने फोन पे मैंने किसी बैंक को ऐड करके यूपीआई वगैरह सेट करके बिना किसी एटीएम कार्ड के आप चला सकते हैं। तो गाइज ये चीज आप कैसे करेंगे फोन पे में बिना किसी एटीएम कार्ड, फोन पे में बैंक अकाउंट वगैरह कैसे सेट करेंगे, यूपीआई पिन कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीजें गाइस मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाने बताने वाला हूं। तो सिंपली गाइस इसके लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सो फाइनली गाइस, अब चलिए बताता हूँ कौन सा एजी स्टेप है जिसको फॉलो करेंगे गाइस आप बहुत जल्दी आप 2024 में फोन पे बिना एटीएम कार्ड के चला सकते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप कहीं भी पैसे वगैरह भेज सकते हैं, यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, किसी फोन वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं, आप गाइस यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, कुछ लोगों की तरह गाइस वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे गाइस आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा गाइस आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपली गाइस चलिए मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। अब देखिए गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप फोन में पहले से फोन एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देना है, मतलब कि इसको रिमूव कर देना है। तो सिंपली गाइस अभी आप क्या करेंगे, आपके फोन में जो भी फोन एप्लीकेशन है तो उसको आप प्रेस करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको डिलीट आइकन मिल जाएगा या फिर गाइस यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा अनइंस्टॉल करो, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से गाइस अपने फोन पे ऐप को आप यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे या फिर गाइस आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ से देखिए आपको जो एप्लीकेशन है यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो हर हाल में गाइस आपको पहले अपने फोन से जो फोन एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। अब सिंपली गाइस चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अब गाइज आपको क्या करना है, अभी गाइज आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। अब देखिए गाइज जैसे मैं टाइटल पर क्लिक करेंगे तो सिंपली गाइज यहाँ पे आपको फोन पे का लिंक मिल जाएगा। तो भी गाइज आप यहाँ मोर पे क्लिक करके और सिंपली गाइज आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइज जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र को चूज कर लेंगे। अब देखिए गाइज जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली गाइज आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फोन पे को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। अब देखिए जैसे ओपन करेंगे तो इसका जो होम एड्रेस होगा आपके तरह से ओपन होगा। तो सिंपली गाइस अभी आपको क्या करना है, अभी देख लिखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर। तो सिंपली गाइस अभी आप अपने फोन पे में आप जो बैंक ऐड करेंगे और आपके पास जिस बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, आपके उस बैंक से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे। जैसे नंबर एंटर कर देंगे तो आप यहाँ नीचे आएंगे और आप गाइस यहाँ पर सीट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि देखिए जहाँ से मैंने अपना नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया, अब गाइस यहाँ पर सीट पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो और गाइस आप पहले से फोन पे यूज करते हैं तो आपके फोन पे का जो भी पासवर्ड होगा उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। बट गाइस अगर आप यहाँ पे न्यू यूजर हैं, फर्स्ट टाइम फोन पे को बना रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस आपको 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दे देगा, तो आप यहाँ सेट कर लेंगे। तो बट गाइस मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन जाएगा लॉग इन ओटीपी वाला, तो गाइस आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अब देखिए जैसे अभी ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस नंबर पर ओटीपी आएगा और यहाँ पे देखिए ओटीपी ऑटोमेटिक फिल करके वेरीफाई हो जाएगा। अब गाइस ऑप्शन परमिशन आएगा तो आप यहाँ पर सभी परमिशन को स्टेप बाय स्टेप अलाउ करेंगे। अभी गाइस ऑप्शन दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ करेंगे। अब सिंपली गाइस आप यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली गाइस देखिए आपके सामने आपके फोन पे का जो होम डैशबोर्ड होगा या फिर कह लीजिए कि जो होम इंटरफेस होगा देखिए तरह से ओपन हो जाएगा। तो सिंपली गाइस अब यहाँ पे आपको अपना बैंक ऐड करना है, आपके पास जिस बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है और आप उसके थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं, बैंक बैलेंस वगैरह चेक करना चाहते हैं, तो सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आपको होम स्क्रीन पर ऑप्शन दिख जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, या तो गाइस आप यहाँ क्लिक करेंगे या फिर सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन होगा बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को जैसे आप चूज करेंगे तो फाइनली गाइस आपके फोन में सही बैंक की लिस्ट ओपन करके आ जाएगी। अब यहाँ से गाइस आप जिस बैंक को ऐड करना चाहते हैं वो बैंक आप यहाँ चूज करेंगे। तो फाइनली गाइस चलिए मैं सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करके यहाँ पे गाइस अपने बैंक को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अब फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए मैं जियो टाइप किया, तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक है जो कि यहाँ पे आ चुका। तो चलिए गाइस मैं अपने इस बैंक को यहाँ चूज कर लेता हूँ। तो आप भी गाइस यहाँ से अपना बैंक चूज कर लेंगे और फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए कुछ बैंक अकाउंट डिटेल होगा यहाँ से फाइंड होगा और फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए आप बैंक अकाउंट डिटेल होगा इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपको बैंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन लगा सेट रीसेट पिन का, तो सिंपली गाइस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आप सेट कर सकते हैं या फिर सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ से बैक करेंगे। अब देखिए जैसे आप बैक करेंगे तो अभी गाइस आप फोन पे जो बैंक ऐड करेंगे तो बैंक यहाँ पे शो होगा। तो सिंपली गाइस आप क्या करेंगे अपने उस बैंक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बैंक पर क्लिक करके जैसे आप चूज करेंगे तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए आपके सामने यूपीआई पिन का एक सेक्शन मिल जाएगा और इस सेक्शन में देखिए जहाँ पे आपको रीसेट सेट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली गाइस आप यहाँ रीसेट या सेट पे क्लिक करेंगे।
बट गाइज अब देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए एक बार सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए आप यहाँ से जिस बैंक को चूज करेंगे तो अब देखिए आप उस बैंक में दो तरीके से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिएगा जरा आपकी एज 18 साल नहीं है और आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो सिंपली गाइज आप अपने उस बैंक में आधार कार्ड के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइज बिल्कुल सही सुने हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखिए आपको आधार नंबर लिंक विद बैंक आपसे मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज बाय डिफॉल्ट इसी पे क्लिक रहेगा तो सिंपली गाइज इसको आप ऐसे रहने देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर सीट पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए जो प्रोसेसिंग में है अब सिंपली गाइज यहाँ पे देखिए आपके सामने आधार नंबर वेरीफाई करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एंटर द फर्स्ट डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो सिंपली गाइज अभी आपको यहाँ पे क्या करना है आपके आधार कार्ड का जो शुरू का 6 अंक है उसको आप यहाँ फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं अपने आधार कार्ड का जो शुरू का 6 अंक है उसको यहाँ से मैं फिल कर दिया। अब यहाँ मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपसे परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ पे क्लिक करके इसको अलाउ करेंगे। अब फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए मेरा जो आधार नंबर है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए गाइज जैसे यहाँ पर आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाए तो अब गाइज आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंकों का OTP जाएगा। तो उस OTP को आप यहाँ फिलअप करेंगे और आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करेंगे। सो गाइज यहाँ पर देखिए मैं आधार कार्ड और OTP यहाँ से मैं फिल कर दिया हूँ। अब गाइज मैं यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज अभी आप जो बैंक ऐड कर रहे हैं तो आपके उस बैंक से जो भी नंबर लिंक रहेगा उस नंबर पर यहाँ पे 4 अंकों का OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ फिलअप करेंगे और आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए मैं बैंक और OTP यहाँ से फिल कर दिया। अब गाइज मैं यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज अब जैसे आप बैंक नोटिस फिलअप करके राइट मार्क पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज आपके बैंक में जो भी आप इंसर्ट करने का ऑप्शन होगा वो यहाँ पे दे देगा। तो सिंपली गाइज आप यहाँ से अपना जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं 4 अंकों का या फिर 6 अंकों का वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किसी किसी बैंक के लिए गाइज यहाँ पे UPI इंसर्ट करने का ऑप्शन 6 अंकों का देता है और किसी किसी बैंक के लिए यहाँ पे 4 अंकों का देता है। तो सिंपली गाइज अब यहाँ पर अपना पसंदीदा UPI पिन आप यहाँ पे एंटर करके सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने अपना UPI यहाँ से एंटर कर दिया। अब गाइज मैं यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर अभी आप जो UPI पिन डाले हैं वही UPI पिन अपने दोबारा डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। दोबारा डालने के बाद गाइज आप सिंपली क्या करेंगे आप राइट मार्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सो फाइनली गाइज अब यहाँ पे देखिए मेरा जो UPI पिन यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देगा UPI पिन सक्सेसफुली सेट। तो इस तरह से गाइज आपके बैंक में बिना किसी ATM कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड के हेल्प से आपका UPI पिन होगा यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अब चलिए गाइज बताता हूँ कि जैसे UPI पिन सेट हो जाता है तो अपने बैंक का बैलेंस कैसे चेक करेंगे, कहीं पैसे वगैरह कैसे भेजेंगे। तो सिंपली गाइज अभी आप क्या करेंगे आप यहाँ से बैंक आ जाएंगे। अब देखिए जैसे बैंक होकर के होम इंटरफेस में आ जाते हैं फोन पे को तो सिंपली अगर आपको बैंक बैलेंस चेक करना हो तो सिंपली आप यहाँ चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइज आप जो बैंक ऐड करेंगे वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आप उस बैंक पे क्लिक करेंगे। अभी गाइज आपने बैंक में जो भी पिन यहाँ पे सेट किए हैं अपना वही पिन आप यहाँ एंटर करेंगे और आप राइट मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा यहाँ से फैचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब गाइज मान लीजिए अगर आपको किसी को पैसा भेजना हो तो सिंपली आप क्या करेंगे आप यहाँ 2 नंबर पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर मनी और कैश सेक्शन में आपको ऑप्शन दिख जाएगा तो सिंपली आप यहाँ 2 नंबर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसा भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट न्यू पेमेंट बाई कॉन्टैक्ट नेम मोबाइल नंबर। तो सिंपली अब आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ फिलअप करेंगे और आप यहाँ पैसा वगैरह सेंड कर सकते हैं। अब गाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किसको कितना पैसा भेजे आप उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे आप यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए जब अपने का हिस्ट्री का तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए हिस्ट्री पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज अब आपके सामने पूरा यहाँ से डिटेल ओपन करके आ जाएगा कि आपने कब किसको कितना पैसा वगैरह भेजा। सो गाइज इस तरीके से आप बहुत जल्दी बिना किसी ATM कार्ड के आप फोन पे बैंक वगैरह सेट कर सकते हैं, पैसा वगैरह भेज सकते हैं। तो आई होप गाइज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और अगर गाइज आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।